बिग लॉस के घर में आए हैं कौन कौन से नए सदस्य, ये दिखाने आ रहे हैं कपिल, कीकू एंड सिद्धार्थ। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ सर, हाँ सर, अमृतसर पहुंच गया सर मैं। हाँ सर, ये सिद्धू जी के घर के सामने ही खड़ा हूँ। बहुत ही छोटा घर है सर इनका। नहीं सर, शायद ये इनके सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन है सर। अरे सर, इनका घर तो बहुत बड़ा है सर। अरे कमाल का घर है सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, जरा घंटी बजा लूँ सर। हाँ, टिंग टोंग। ओ चकरे फटे ते नपरे किली, ओ चकरे फटे ते नपरे किली। ओ भाई सुबह भी जलंधर ते शाम को भी जलंधर, भाई तीन तीन बजे ट्रैवलिंग कौन करे, ठोको ताली। खड़ा सिद्धू सर, सर कैसे हैं सर आप? भाई हुआ ही हुआ, मैं तो ऐसा ही मोहतरमा, आप कैसे? मोहतरमा सर, मैं मोहतरमा नहीं हूँ सर। अरे भाई, मुझे भी पता है लभी कि एक मोटू के लिए अपना तकिया कलाम कौन चेंज करे। देखो वही पूरी दुनिया जानती है कि जैसे कॉमेडी सर्कस से कोई रो नहीं सकता, चलते एक्ट में सोहेल के सिवा कोई सो नहीं सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सिद्धू का तकिया कलाम चेंज हो नहीं सकता। ठोको ताली। और सुनाओ कैसे आना हुआ? सर मैं बिग लॉस नाम के एक टीवी शो की तरफ से आया हूँ सर। अरे वाह, छा गई यार, छा गई मोहतरमा, छा गई भाई, छा गई। बार बार मुझे मोहतरमा क्यों कह रहे हैं सर? मैं मोहतरमा नहीं हूँ। देखो छोटे भाई, भड़क क्यों रहे यार? अगर तुम्हारे मोहतरमा में से मोहतर हटा भी दूं तो मां तो तुम वैसे भी लग रहे हो। देखो गुस्सा नहीं करना, अब बताओ ये क्या होता क्या यार तुम्हारा शो? सर एक टीवी शो है सर, उसमें 13 सेलिब्रिटी साथ में एक घर में रहते हैं सर। 13 सेलिब्रिटी? जी सर। मैं नहीं मानता भाई, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सेलिब्रिटी हैं, दूसरा रजनीकांत और पहला मैं। ठोको ताली। खटक। तो मैं नहीं मानता भाई। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं सर आप? अच्छा, इसका मतलब तुम रजनीकांत को सेलिब्रिटी नहीं मानते? सर आप हमारे शो के लिए एकदम परफेक्ट हैं सर। हमारे शो में आके आपको एक घर में रहना है। वो तो मुझे करना क्या है वहां पे? नहीं नहीं सर, आपको बस वहां पे रहना है सर, कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? देखो भाई मैं सीधी सी बात बताऊं, शो है तो मैं ज्यादा 100 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकता। सर शो 90 दिन का है सर। भाई ये तो प्रॉब्लम होगी, 10 दिन कहां रहूंगा? सर 90 दिन पे फाइनल्स होंगे। फाइनल 90? देखो भाई ऑस्ट्रेलिया से मत कराना, मैं अकेला नहीं जिता सकता, ये पक्की बात है, ये लिख के ले लो। सर मेरे कहने का मतलब है सर, 13 सेलिब्रिटी हैं, उनमें से किन्हीं 3 फाइनल्स में आएंगे, उनके बीच फाइनल्स होगा। तो जय भाई 13 लोगों में से जब 3 के बीच में फाइनल हो रहा है, 12 लोग क्या लोनावला घूमने आ रहे हैं? क्यों बुला रहे हो? कौन है वो 12 लोग? सर वो 12 लोग कौन है वो आपको घर में पहुंच के पता चल जाएगा सर। और आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ सर। हाँ। सर शो में क्या होगा सर, आपको कुछ टास्क करने होंगे। ओके। मतलब सर आपको ऐसा झाड़ू मारना पड़ सकता है सर, पोछा मारना पड़ सकता है सर, आपको कपड़े धोना पड़ सकता है। एक मिनट छोटे भाई बात सुनो, तुम्हारा कहने का मतलब है मैं अभी जिस घर में रह रहा हूँ वो बिग लॉस का घर है? सर ये घर आपका ही है सर? तो ये समझ में नहीं आ रहा, यही सब काम यहाँ पे हो रहे भाई। मतलब ये खटैक क्यों हो रहा है यार मेरे साथ, क्या मतलब यार? देखो छोटी मोहतरमा, जो आप कह रहे हो कि मेरे से काम कराएगा, एक बात मेरी कान खोल के सुनो, ये सिद्धू है जो सिद्धू है उसे गले में ना लेना फांस, सिद्धू से जो काम कराए ऐसे बिग लॉस की मां की आंख। देखो मोहतरमा, ये जो सिद्धू है ना, ये बस एक ही आदमी का कहना मानता है, उसी के कहने पे काम करता है, और वो है खुद सिद्धू की वाइफ, क्योंकि मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। सर उसे रिस्पेक्ट नहीं, डर कहते हैं सर। देखो छोटू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, निकलो, ज्यादा बातें नहीं करनी, दबा हो जाओ। मैं... और सुनो मेरे भाई, पहली बार मेरे घर आए हो, खाली हाथ तो मैं जाने नहीं दूंगा। अरे सर एक काम करो, कूड़े का लिफाफा पड़ा ले जाओ, बाहर फेंक देना। भाई घर के लिए तैयार हो जाऊं, कहीं मेरे जाने से पहले कहीं अंदर से दरवाजा ना बंद कर लें। ओहो भाई। आप सभी का बिग लॉस में बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पहले सदस्य का। कर लेते होगा। अरे कितनी बड़ी जगह है यहाँ, तो मैं जगह जगह बैठ के आसन कर सकता हूँ। ये मिथुन आसन है, ये शशि कपूर आसन है, ये भुजंग आसन है। भूख लगी है, थोड़ा खा लो, कुछ तो खा लो, एक मिनट खा। बाबा घर में बाहर का कुछ खाना अलाउड नहीं। ये बाहर का नहीं, अंदर से निकला है। बाबा कॉमेडी ना करे,
वरना पुलिस यहाँ भी आ सकती है। और आज आपके पास तो सलवार भी नहीं। मैं तो जन्म पर भूखा रहूंगा, बाबा अनशन पे बैठेगा, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मैं बाबा हूँ, बेबी नहीं बनना चाहता। अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दूसरे सदस्य का। बजी करदा, बजी करदा, होटल जपिया बाबा जी करदा, बजी करदा, बजी करदा, होटल कमावा जी करदा, खटाक ठोको ताली। तुम कौन हो यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं है? I'm so sorry, यार मैं तो तुम्हारा बड़ा फैन हूँ जब भी दे यार। I love your song, प्रीतम। I just love your song। मैं प्रीतम नहीं हूँ, बाबा बाबा अकली बाबा है। हजूरे वाला कुस्ताखी माफ, मैं पहचान नहीं पाया कुस्ताखी माफ। नहीं लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना, सुरेंद्र पाजी कैसे हो? हजूरे वाला मैं सिद्धू हूँ, बैठो अपने घर समझो। एक बात बताओ यार, तुम्हें देश की इतनी चिंता है, तुम इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हो जाते? बार बार हारेगा कौन बेटा, डर लगता है। बाबा कोई चक्कर नहीं यार, उम्र की परवाह ना करो यार। देखो शेखर तुमसे 2 साल बड़ा है, वो भी तो हारा कि नहीं? शेखर मुझसे 2 साल बड़ा है। हाँ तो और क्या, फिट है एकदम वो। और तुम क्या समझते हो बाबा, सिर्फ पेट अंदर खींचने से बंदा फिट रहता है? भाई मुंह अंदर खींचने से भी बंदा फिट हो जाता है। ठोको ताली भाई। सिद्धू जी, बाबा जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे तीसरे सदस्य का। ठोको ताली, छा गया भाई, छा गया भाई, जोरदार तालियां कक्कर के लिए भाई। ठोको ताली। Excuse me, I'm not कक्कर, I'm कालिया। छा गया भाई, छा गया, ठोको ताली, खटाक। एक बात बताओ यार कालिया, जब से तुम्हारे जहाज बिके है ना यार, एयरपोर्ट पे बिल्कुल फैमिली वाला माहौल हो गया है। पता क्या है, पहले हम 6-6 घंटे वेट करते थे एयरपोर्ट पे, वो तुम्हारी वो लाल वो जर्सियां पहन के घूमती ना लड़कियां, यार बड़ा मजा आता था उनका। अब क्या वो है नहीं, अब वो सरकारी घूमती आंटियां, वो मदर इंडिया सारी। यार तुम्हारी लड़कियां जब पूछने आती थी ना जहाज में कि आप क्या लेंगे, मैं आदमी बोलता हूँ कि पानी, वो पानी लेके आई, मैंने कहा भाई गर्म है ठंडा लेके आओ, मतलब दिल होता था कि आती जाती रहे। तो सरकारी वाली पूछने आती ना क्या लेंगी, मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं लूंगा, मुझे सोना है, 4 दिन से सोया नहीं, मुझे उठाना मत। तो यार तुम्हारे वाली में बड़ा मजा आता था यार। आज का लंच सिद्धू पाजी बनाए, पंजाबी दाल और पंजाबी मुर्गा। भाई ये क्या घटिया बात हुई, पंजाबी दाल का दाल भंगड़ा करती है यार, कमाल कर रहे हैं यार। पंजाबी मुर्गा क्या होता है कि मैं मुर्गे का छुरी मारी और मुर्गा बोलेगा टुर्रा। भैया मैं तो नहीं करने वाला भाई। देखिए आप तौहीन कर रहे हैं। मेरी बात सुन छोटे भाई, अपना 1200 रुपया ले और निकल साला वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अबे सिद्धू को क्या डरा रहा है, अबे हट, मैं नहीं करता तेरे टास्क वास्क, हट जा। देखिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको आज पूरा दिन टॉयलेट साफ करना होगा। देखो छोटे भाई एक बात बता दूं, जैसे शेर अपना शिकार हाफ नहीं करता और दुश्मन कभी अपने दुश्मन को माफ नहीं करता, उसी तरह याद रखे कंबख्त सिद्धू कभी बाथरूम साफ नहीं करता। ठोको ताली। अगर आप ये टास्क नहीं करेंगे तो आपका बैलेंस 70% पैसा कट कर देंगे। अबे ये धमकी किसी और को देना और मेरे को ये बता झाड़ू कहाँ रखा है। देखिए आप नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू होती है, कालिया जी आप किसको निकालेंगे? अगर कुछ निकालना ही है तो आप जरा एयरपोर्ट से मेरे 15 प्लेन निकलवा दीजिए। क्या बात, क्या पंच मारा यार। निकालना है तो बाल निकालो, वो चुभ रही है। सिद्धू पाजी आप किसे निकालना चाहेंगे? भाई देखो मैं तो कहता हूँ भाई, ना भाई मेरे इस भाई को निकालो, ना इस भाई को निकालो, निकालना तो ये सरगुन को निकालो, मैं तो कहता मार डालो ताकि गलती से अगले सीजन में ना ठोको ताली भी खटाक। आप तीनों को बताना चाहते हैं कि आप फिनाले में पहुंच गए हैं। ओके। और आखिरी टास्क है 1 मिनट तक चुप रहना। Okay. जो भी 1 मिनट चुप रहेगा okay. वो जीत जाएगा और उसे मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। मतलब मैं जीतूंगा। आपका समय शुरू होता है अब। मैं हार गया भाई।
मैं हार गया भाई, मैं चुप नहीं रह सकता, मैं हार गया। अब आप बताओ जीता कौन? बाबा मैं जीत गया। ठोको यार ताली, ठोको के लिए मैं जीत गया। देखो भाई जीता कोई भी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे दोस्त हैं, अगर ये भी जीते हैं कोई बात नहीं, हम इनसे मुक्का मार के छीन लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और अपने भाई को दे देंगे। क्यों भाई? थैंक यू। आप उनके अपने ऑटो लेना, अपनी मस्ती करो, एंजॉय करो। जब बाबा जीत गया तो आगे क्या बोले? मैं तो कहता हूँ खत्म करते, क्या बोलते हो? इतनी खत्म करो। सोहेल, वी विल स्टार्ट विद यू, कैसा लगा ये?